हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सीए इंद्रजीत कौर और मैंने रिसेंटली नवंबर 22 में अपने सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है। और मैं सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स मई 2018 से दे रही थी। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मई 2018 में था और 2017 में मैंने अपनी सारी क्लासेस कवर कर ली थी। तो मैं यहाँ आपसे शेयर करने वाली हूँ कि 2017 में क्लासेस लेने के बाद भी मैंने क्या क्या प्रैक्टिसेस की, कैसे कैसे अपने सिलेबस को फिर से रिवाइज़ किया, कैसे कवर किया, कैसे फिर से दूसरी क्लासेस को कैचअप किया और अपने सी एग्ज़ाम्स को क्लियर किया। 2017 में मैंने अपनी सारी क्लासेस ख़त्म कर ली थी फर्स्ट ग्रुप की। मेरा मई 2018 फर्स्ट अटैम्प्ट था सी ए फाइनल का। और उस दौरान मैंने सी ए फाइनल SFM सब्जेक्ट की क्लास ली थी प्रवीण महाजन सर से। और उसमें सर ने 21 डेज में पूरा SFM कवर कराया था विद क्वेश्चंस एक फास्ट ट्रैक बैच में। और उस क्लास के दौरान मेरे सारे कंसेप्ट्स SFM के बहुत अच्छे हो गए थे। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देते थे, डेरिवेटिव, फोरेक्स सब मेरे टिप्स पे था। तो जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो फर्स्ट टाइम मैं सीए फाइनल दे रही थी तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि एग्ज़ाम एंग्जाइटी क्या होती है, उसको हैंडल कैसे करना होता है। एग्ज़ाम की हम तैयारी तो वो 6-7 महीने या पूरे 2-3 साल हम करते हैं, पर एंड डेज में कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे अपने माइंड को और खुद को हैंडल करना है, वो मैं उस टाइम पे नहीं सीख पाई, जिसकी वजह से कंटिन्यूस 5 टाइम्स में फेल होती रही। देन दिसंबर 21 से पहले मैंने स्विच कर लिया था, नवंबर 19 के बाद मैंने स्विच कर लिया था ग्रुप 2 पे। पहले मैं बोथ ग्रुप देती थी, देन मैंने स्विच कर लिया था सेकंड ग्रुप पे कि मैं इस बार सेकंड ग्रुप दूंगी। देन कोविड आ गया, देन उसके बाद मैं जब सेकंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रही थी, देन दिसंबर 21 में मैंने सेकंड ग्रुप को क्लियर किया था। और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट ग्रुप था ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट हो चुका था। और उस दौरान भी मैंने बहुत सारी क्लासेस SFM की दोबारा ली, बहुत सारे टीचर्स को देखा, YouTube पे क्लासेस ली, वैसे बैचेस लिए, बट स्टिल मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। देन अगेन मुझे याद आया प्रवीण महाजन सर की क्लासेस के बारे में कि कैसे 21 डेज में सर ने पूरा SFM मेरे टिप्स पे कर दिया था। और मेरे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी उनसे क्लास ली थी और वो सब्जेक्ट इजी हो गया था। देन अगेन मैंने सर से कंटेक्ट किया जब मैंने अगेन फेलियर देखी अपने मई 2021 के 22 के अटेम्प्ट में। सो, जब सर से कंटेक्ट किया तो अब तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो सर ने मुझे ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई। देन मैंने अगेन उस क्लासेस से उसी तरीके से पढ़ाई की जैसे सर क्लास में कराते थे, एंड मेरे कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर हो गए और मैं सब्जेक्ट कंसेप्ट्स को 80% ही कंप्लीट कर पाई थी, क्योंकि मेरे और भी सब्जेक्ट्स थे, बट स्टिल 80% कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ और जो जो क्वेश्चन सर की बुक में थे उसको प्रैक्टिस करने के साथ मैंने SFM में एग्जेम्पशन स्कोर की। और बहुत इजीली, क्योंकि सर ने बहुत कंसाइसली कंसेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस, फॉरेक्स, डेरिवेटिव, जिनसे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था, मैं छोड़ के जाती थी, वो चैप्टर सर ने इतना टिप्स पे करवा दिए। पोर्टफोलियो के जो फॉर्मूलेज होते हैं जिनको आप क्रैम करते हैं, सर ने इतने अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी की कि वो मुझे रटने ही नहीं पड़े, वो ऑलरेडी कंसेप्ट को समझते समझते मेरे मुझे मेमोराइज हो गए। तो उन सब क्लासेस से इवन मैं अपने एग्जाम डेज में जो 1.5 डेज की जो हॉलीडे होती है उसमें मैंने सर की क्लासेस से जो उससे रिवाइज किया कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स, और सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे मेरे एग्जाम्स में काम आए। सो आई एम जस्ट वेरी थैंकफुल टू सीए प्रवीण महाजन सर एंड ऑल दी फैकल्टीज जो सीए की स्टूडेंट्स की इतनी हेल्प कर रही है, इतने इजीली कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड कर। सो थैंक यू सो मच।